बेहद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना तो अगर सतगुरु जी नहीं आए तो समाज मतलब बेहद पतन की तरफ चला जाएगा। आज हम डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी से बात करते हैं, आइए इनसे कुछ खास मुलाकात करें। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। जी आपका शुभ नाम? रितु इंसा। आज आप हमें बताएंगी कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है? ये जो हमारा सच्चे सौदे का स्थापना दिवस और जामे इंसा जो होता है 29 अप्रैल को हम स्थापना दिवस मनाते हैं, उसके उपलक्ष में आज यहाँ भंडारा मनाया जा रहा है जो पूरे हरियाणा का होगा। गुरु जी को 4.5 साल हो गए हैं गए को, तो क्या भंडारों में कुछ फ़र्क आया है पहले और अब के भंडारों में? नहीं, बल्कि पहले से भी संगत बढ़ी है, कम नहीं हुई। और जहाँ विश्वास की बात है वो भी पहले से कई गुना संगत का बढ़ गया है, क्योंकि जो चीज़ जो आत्मिक शांति जो सुकून यहाँ मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। लोगों को अगर हम बाहर देखते हैं तो उनके अंदर बेचैनी है, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं तो एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उनके मतलब हर काम जो है अपने आप बनते चले जाते हैं उनके विश्वास के कारण। आप विश्वास बोल रही हैं गुरुजी पे, तो आपको गुरुजी पे कितना विश्वास है? मतलब किसी चीज़ में इतना विश्वास नहीं जितना हमें हमारे सतगुरु पे विश्वास है, और बहुत ज़्यादा हमें हमारे सतगुरु पे विश्वास है। आपने ये बात कही कि यहाँ पर सबको आकर शांति मिलती है, तो ऐसा क्या होता है सत्संग में कि यहाँ पे आकर सबका मन शांत हो जाता है? यहाँ पे जो है मतलब उच्च संस्कारों से मालिक ने हमें जोड़ा है, आध्यात्मिक जो बातें हैं जो कहीं सुनने को नहीं मिलती। अगर बाहर हम देखें तो लोग पाखंडों से जोड़ते हैं, वैसे ही हमें यहाँ चले जाओ ये कर लो वो कर लो उल्टी सीधी बातों से जोड़ते हैं, जबकि यहाँ हमारे सतगुरु ने सीधा और सरल रास्ता हमें नाम देकर जाम इंसा पिलाकर सच्चा इंसान बनाया है, और उसके साथ हमें जो नाम दिया है उसका सिमरण सीधा बस एक सरल रास्ता बताया और सीधा नाम का सिमरण करना बताया है, जिससे कि और उसके साथ साथ हमें बहुत से नेकी और भलाई के कार्यों के साथ जोड़ा जिससे आत्मिक सुकून मिलता है। आप एक गर्ल हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगी, बींग अ गर्ल आप अपने आप को डेरा सच्चा सौदा में कितना सेफ महसूस करती हैं? जितनी सेफ्टी यहाँ है वो दुनिया के किसी कोने में हो ही नहीं सकती। यहाँ पे एक गर्ल है वो अपने घर से भी ज़्यादा सेफ्टी महसूस करती है। यहाँ पे जो बैठने का होता है, रहने का होता है, खाने पीने का होता है, हर व्यवस्था जो होता है वो गर्ल्स और लेडीज़ के लिए अलग होती है, भाइयों का सब अलग होता है, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। और वैसे भी कोई भी भाई है हर जो मतलब उम्र के हिसाब से माता बहन और बेटी के समान ही मानते हैं, और ऐसा कोई भी यहाँ ऐसा नहीं होता कि मतलब सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ है यहाँ पे। एक मुद्दा आ रहा है, टिप्पणी आ रही है भाई डेरे में कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, तो बिल्कुल इसके बारे में आपकी क्या याद? बिल्कुल झूठ है ये। यहाँ पे जो आते हैं वो मतलब हाई लेवल की जो उच्च शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की है वही लोग आते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जो जॉब्स पे हैं वो आते हैं, सभी तरह के डॉक्टर इंजीनियर्स और हर जज जो हैं लॉयर हैं जो सब मतलब हर तरह के जो हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब यहाँ आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही आते हैं। लड़कियों के लिए गुरुजी ने क्या कुछ किया है? लड़कियों के लिए तो मतलब बहुत कुछ किया है सतगुरु जी ने, जो दर्जा हमारे जो गुरु जी ने दिया है लड़कियों को वो कहीं भी नहीं समाज में किसी को मिला। लड़कियों के लिए अच्छी शिक्षा, गेम्स में उन्हें आगे लेके आए हैं, और हर तरह की जो सेवा में उनको मतलब एक जज्बा भर दिया परमार्थ में, सेवा में, कहीं भी मतलब जो स्त्री को इतनी सम्मान इतनी इज्जत नहीं मिलती जो सतगुरु जी ने यहाँ पर दी है। आपको क्या लगता है कि संत जी की समाज को ज़रूरत है इस वक्त? बेहद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना तो अगर सतगुरु जी नहीं आए तो समाज मतलब बेहद पतन की तरफ चला जाएगा। इस जो अच्छे संस्कार है, आज शिक्षा तो मिल रही है बाहर लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे, जो सतगुरु जी ने हमें संस्कार दिए हैं उस संस्कारों की आज समाज को बेहद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उन्हें होना ही चाहिए। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि अगर वो चाहते हैं कि मतलब देश का भला हो, अच्छे जो समाज का निर्माण हो, तो हम जल्दी से जल्दी हमारे गुरु जी को बाहर करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द फैक्टा ही, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।